धार जिले के पीथमपुर में 28 जून रविवार को सीसी पावर चौराहे पर करीब 12:30 बजे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका गया। कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया गया। सभी कार्यकर्ताओं को मास्क लगाकर कार्यक्रम में आने की हिदायत दी गई, जिसका कार्यकर्ताओं ने पालन भी किया। भाजपा नेताओं ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार के पूर्व वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने देश और मानवता के दुश्मन चीन से माल में आयात निर्यात में भारी कटौती की थी, जिसमें भारतीय कुटीर लघु उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और चीन को काफ़ी फायदा हुआ था। पुतला दहन में प्रमुख रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय वैष्णव, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि चीन के सामान का बहिष्कार करें और चीन के सामान की होली भी जलाई गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद प्रतिनिधि अमृत जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश जायसवाल सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। पीथमपुर से संजय सोनकला की रिपोर्ट। क्या कारण था कमलनाथ का पुतला दहना? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आह्वान पर पूरे जिले के अंदर मध्य प्रदेश के सारे मंडलों में आज पुतला दहन किया गया है, क्योंकि कमलनाथ जिस समय देश के वाणिज्य उद्योग मंत्री थे, उन्होंने चीनी सामानों के आयात शुल्क पर बहुत कम दरों पर यहाँ पर बुलाया और चीन को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुँचाया। और आज जिस प्रकार से उस समय कांग्रेस का फाउंडेशन क्लब है, उसके अंदर भी उन्होंने कांग्रेस के पैसा आया, चंदा आया है, और आज इसके विरोध में, इस कमलनाथ के विरोध में, देश विरोधी कृत्य के विरोध में, राष्ट्र विरोधी कृत्य के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के सारे मंडलों में पुतला दहन किया गया है और आज पीथमपुर में भी यह पुतला दहन किया गया है। सोशल मीडिया पर भी चीनी ऐप चल रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? सोशल मीडिया पर भी चीनी ऐप निश्चित रूप से, यह हमें स्वनिर्णय करना है और हम भारतीयों को हमेशा उसका बहिष्कार करना है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी देशभक्ति का परिचय देते हुए चीनी सम्मानों का बहिष्कार करे और आज इसलिए चीनी सम्मानों के उत्पादनों की होली भी यहाँ पर जलाई गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।